हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आपका भाई लेके आ चुका आप सभी के लिए ग्लिचेस और ट्रिक्स की वीडियो। तो भाई मेक श्योर वीडियो को एंड तक देख लेना, काफ़ी मजा आने वाला है क्योंकि भाई आज आपका भाई बिल्कुल सोलो के ग्लिचेस लेके आया है। मैं हमेशा ही लेके आता हूँ भाई सोलो के, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई चलो अब बता देता हूँ आपको मैं फर्स्ट ट्रिक को कैसे करना है। तो भाई फर्स्ट ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपली से इस कड़ा उसमें आ जाना होगा और भाई इसके बिल्कुल टॉप पर आपको चढ़ जाना होगा इस दरवाजे से। जैसे कि आपको पता ही यार, सभी को पता है इसका, किसको नहीं पता। बस आपको भाई इसके ऊपर सिंपली से चढ़ जाना होगा और इसके ऊपर चढ़ने के बाद आपको थोड़ा पीछे आना है यहाँ पर कोने में और अब अपने बैकपैक को ओपन करना है। और यहाँ पे आपको यूज़ वाला बटन दिख रहा होगा, इसको आपको सिंपली टैप करना और भाई सामने की तरफ स्केटबोर्ड को लेके जाते हुए बार बार आपको जंप के ऊपर क्लिक करते रहना है। तो बूम गाइस भाई काफ़ी लेयर इसके ऊपर आ जाओगे और भाई इस विंटर अपडेट से पहले यहाँ पे आना इम्पॉसिबल था, लेकिन भाई अब आप यहाँ पे आ सकते हो और भाई वो भी काफ़ी इजीली। भाई मेक श्योर जैसे मैंने बताया इस लेटर को वैसे ही करना, क्योंकि भाई मैंने भी बहुत बार ट्राई किया इसलिए भाई मेरे से हो नहीं रहा था, मैं अलग एंगल से ट्राई कर रहा था। तो भाई जिस एंगल से मैंने जंप कराया आपको उसी एंगल से जंप कराना है, आप काफ़ी इजिली इस लेटर को भी कर सकते हो। और भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो भाई जी वाला ट्रिक वर्क करिए यहाँ पे स्टेडियम में स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग में। तो भाई आपको यहाँ पे बिल्कुल चिपक के बैठ जाना होगा इससे स्प्रिंट को लॉक करके, और अपने टीममेट को पीछे से भाई वो जो होती है ना वो वॉइस बॉल उसको आपको थ्रो करने के लिए बोलना है, जिससे कोई आपका बंदा कुछ यहाँ पे ऐसे फंस जाएगा। फिर आपको भाई बैग को ओपन करना है और भाई यूज़ के ऊपर आपको सिंपली एक बार टैप करके थोड़ा अपने स्केटबोर्ड को लेफ्ट साइड कर देना है। तो बूम गाइस आप काफ़ी यहाँ पे आ जाओगे और भाई आप इस वाले ट्रिक को सोलो में भी कर सकते हो। अगर भाई आपको ये जो स्नोबॉल है इसको बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करना आता है तो भाई आप यहाँ पे सोलो में भी आ सकते हो। खैर भाई मेरे से अच्छी तरह से सोलो में यूज़ नहीं हो रही थी इसलिए भाई मैंने अपने टीममेट की मदद ली। तो भाई आप ऐसे सोलो में भी कर सकते हो, जरूर जरूर एक बार वाली ट्रिक को ट्राई करना। और भाई अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो यार, क्योंकि भाई ऐसे ही सोलो की ग्लिचेस आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहती है। तो भाई चलो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लिच की ओर। तो गाइस इस वाले ट्रिक में मैं आपको इस वाले हाउस को बिल्कुल टॉप पे चढ़ना बताऊंगा। तो भाई काफ़ी इजी ट्रिक है इस वाले ट्रिक को करने के लिए, आपके पास एक आइस बॉल तो भाई जरूर से जरूर होनी चाहिए, जो कि भाई आपको पूरे मैप में भाई बहुत सारी जगह पे मिल जाती है। आपको आइस बॉल को लेना है और भाई बिल्कुल एक कॉर्नर में थ्रो करना है जहाँ पर भाई मैं थ्रो करूँगा और भाई मेक श्योर लोटस पे कर देना। इससे भाई थोड़ा और अच्छी तरह से आप फेंक पाओगे इसे, लोटस पे करके आपको भाई इस तरफ फेंक देना है जहाँ पर मैं फेंक रहा हूँ। और भाई फिर आपको यार सिंपली से इस वाले जो साइड में दीवार होती है इसके ऊपर चढ़ जाना और लेस ग्रैब की हेल्प से आप इसके ऊपर काफ़ी इजीली क्लाइम हो जाओगे। और अब सामने की तरफ भागते हुए आपको जंप लगा देने, जैसे कि आप काफ़ी जल्दी इस वाले घर के टॉप पे क्लाइम हो जाओगे। भाई काफ़ी ओपी ट्रिक है इस वाले ट्रिक, आप जरूर जरूर अपने मैच में यूज़ करना, और नहीं तो भाई आप अपने टीममेट के साथ शर्त भी लगा सकते हो। भाई आ जाओ कौन भाई इसके ऊपर चढ़ के दिखाई। खैर भाई ये वाले कुछ अलग ही बात कह दी मैंने। खैर भाई अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट ट्रिक की ओर, लेकिन भाई उससे पहले जरा मैं अपने लोगों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मेरा लोगो बनाया स्नो एजेंट GFX ने। तो भाई अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो भाई इनको जरूर जरूर फॉलो करना, क्योंकि भाई इन्होंने बिल्कुल ही भाई इतना मस्त मस्त लोगो बनाया। और भाई इन दोनों लोगों में से आपको कौन सा लोगो पसंद आया ये मुझे जरूर से जरूर बताना। तो भाई खैर अब बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट ग्लिच की ओर। तो इस वाले ग्लिच को करने के लिए आपको बिल्कुल ही कॉर्नर में बैठ जाना होगा और भाई सेम आपको अपने टीममेट को बात करनी कि भाई तो वो फेंक, जो क्या कहते हैं भाई उसे स्नोबॉल को फेंक मेरे बिल्कुल पीछे, लेकिन भाई मेरा टीममेट थोड़ा एक गलत फेंक देता है जिससे कोई मैं इसके अंदर फंस जाता हूँ। तो भाई मेक श्योर आप भी ध्यान से फेंको वरना अपने टीममेट से, अब देखना भाई मेरा टीममेट फिर से फेंकेगा। तो भाई आप देखते हो भाई मैं काफ़ी यहाँ पे आ गया और भाई आप इस वाले ट्रिक को भी सोलो में कर सकते हो, लेकिन भाई आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको कैसे फेंकना है ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। मेरे को भाई अच्छी तरह नहीं पता इसलिए भाई मैंने सोलो में इसे ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि भाई यार मेरे से नहीं होता। मैंने बहुत बार ट्राई कर रखे यार और रिलीज मेरे से नहीं पता भाई क्यों नहीं होता। खैर भाई आप एक बार जरूर जरूर ट्राई कर सकते हो इस वाले ग्लिच को। और भाई अगर ये वाला ग्लिच पसंद आए तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जरूरत है लाइक की, क्योंकि भाई काफ़ी मज़ा आता भाई जब देखता हूँ भाई तेरे लाइक आए वीडियो पर। खैर भाई अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट ग्लिच की ओर, जो कि भाई खैर भाई उससे पहले आपको इससे निकलना बता देता हूँ। भाई काफ़ी यार दीवार के पास जाओ और भाई जंप लगा दो। तो भाई इस वाले ट्रिक में मैं आपको इसके हाउस के बिल्कुल टॉप पे क्लाइंब करना बताऊंगा। भाई इस वाले हाउस के टॉप पे क्लाइंब करने का अभी तक भाई कोई रास्ता था ही नहीं, लेकिन भाई अब आ चुका है यार। आपको इस वाले घर के बिल्कुल टॉप पे क्लाइंब करना है पहले, और भाई अब देखना है स्कैम भाई मेरे साथ भाई क्यों ऐसा धोखा करते हो भाई पबजी वाले। देखो भाई मतलब भाई हद होती है यार, एक तो मेरा फ़ोन भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो भाई कौन सा फ़ोन है। तो भाई आपको इसके ऊपर चढ़ जाना, खैर मैं कुछ अलग ही रास्ते पे जा रहा हूँ, आपको भाई यहाँ पे चढ़ जाना है। नहीं पता कहाँ कहाँ की बात कर रहा था मैं,
छोड़ो भाई, काटो भाई सीन को काटो। तो भाई आपको यहाँ पे आकर स्केटबोर्ड को यूज़ करना, आप सामने की तरफ लेके जाते हो, बार बार जिम के ऊपर आपको टैप करते रहना, जिससे कि आप काफ़ी इजी यार इसके ऊपर क्लाइंब हो जाओगे। तो भाई इस वाले ट्रिक का भी आप यूज़ भाई अपने टीममेट्स के साथ कर सकते हो भाई। अच्छा यार कोसा यहाँ पे पहले जाता है, ऐसे वैसे भाई आप कर सकते हो यूज़। नहीं तो भाई अगर लास्ट जोन यहाँ पे बनता है तो भी आप इस वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हो भाई। मोस्टली यहाँ पे लास्ट जोन बनता भी है, मैंने भाई बहुत बार नोटिस किया है, और भाई आज भी बन रहा था सुबह जब मैं खेल रहा था। खैर गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यार, कैसे लगे आज की वीडियो के बता देना, और भाई मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई हम काफ़ी करीब है 1300 सब्सक्राइबर के। तो थैंक यू सो मच गाइस आपका वीडियो देखने के लिए अब तक, और भाई आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।